डीएमके नेता के द्वारा की गई सनातन धर्म पर टिप्पणी का विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। मामले को लेकर पीएम मोदी ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी और एक बैठक के दौरान ये कहा था कि इसका सही तरीके से जवाब दिया जाए, लेकिन अब ये जानकारी सामने आ रही है कि सनातन धर्म पर विवादित टिप्पणी करने वाले उदयनिधि ने एक और बयान दिया है और इस बार अपने बयान में पीएम को जवाब दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, इस वीडियो में आपको सब कुछ बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। कथित सनातन धर्म विरोधी टिप्पणी को लेकर भाजपा के तीखे हमले के बाद द्रविड़ मुनेत्र कषगम नेता और तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने पलटवार किया है। गुरुवार को भाजपा नेताओं पर उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाते हुए उदयनिधि ने सभी मामलों का कानूनी रूप से सामना करने का संकल्प जाहिर किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी तीखा हमला करते हुए कहा कि वो मणिपुर हिंसा को लेकर उठते सवालों का सामना करने से डरकर दुनिया भर में घूम रहे हैं। उदयनिधि ने कहा, पिछले 9 सालों से आपके यानी भाजपा वाले सभी वादे खोखले हैं। आपने वास्तव में हमारे कल्याण के लिए क्या किया है? ये सवाल वर्तमान में फासीवादी भाजपा सरकार के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर उठा रहा है। ये इस पृष्ठभूमि में है कि भाजपा नेताओं ने TNPWA सम्मेलन में मेरे भाषण को तोड़ मरोड़ कर नरसंहार भड़काने वाला बताया। वो इसे खुद को बचाने का हथियार मानते हैं। द्रमुक नेता ने कहा कि आश्चर्य की बात है कि ये केंद्रीय मंत्री अमित शाह और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री फर्जी खबर के आधार पर मेरे खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूरी निष्पक्षता से कहें तो मुझे उनके खिलाफ आपराधिक मामले और अन्य अदालती मामले दायर करने चाहिए, क्योंकि उन्होंने सम्मानजनक पदों पर रहते हुए मुझे बदनाम किया, लेकिन मुझे पता है कि ये उनके अपने अस्तित्व को बचाए रखने का तरीका है। वो नहीं जानते कि अस्तित्व बचाने का और तरीका क्या है, इसीलिए मैंने ऐसा नहीं करने का फैसला किया। द्रमुक के संस्थापक द्रविड़ वरिष्ठ नेता दिवंगत CN अन्नादुरई के राजनीतिक उत्तराधिकारियों में से एक हैं। उन्होंने अन्नादुरई के कथन का जिक्र करते हुए कहा, हर कोई जानता है कि हम किसी भी धर्म के दुश्मन नहीं हैं। मैं धर्मों पर अन्ना की टिप्पणी बताना चाहूंगा जो आज भी प्रासंगिक है। अगर कोई धर्म लोगों को समानता की ओर ले जाता है और उन्हें भाईचारा सिखाता है तो मैं भी एक अध्यात्मवादी हूँ। अगर कोई धर्म लोगों को जातियों के नाम पर विभाजित करता है, अगर वो उन्हें गुलामी सिखाता है तो मैं ऐसे धर्म का विरोध करता हूँ। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं ऐसा करने वाला पहला व्यक्ति होऊंगा। तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि ने कहा कि द्रमुक उन सभी धर्मों का सम्मान करती है जो सिखाते हैं कि हर कोई जन्म से समान होता है। उन्होंने आगे कहा कि ऐसा प्रतीत होता है इनमें से किसी के बारे में उन्हें बिल्कुल समझ नहीं है। मोदी और उनके सहयोगी संसदीय चुनावों का सामना करने के लिए पूरी तरह से इस तरह की बदनामी पर निर्भर हैं। मैं केवल उनके लिए खेद महसूस कर सकता हूं। पिछले 9 सालों से मोदी कुछ कर नहीं रहे। कभी वो नोटबंदी कर देते हैं, झोपड़ियों को छिपाने के लिए दीवार तक बनाते हैं, नया संसद भवन बनाते हैं, वहां सेंगोल यानी कि राजदंड खड़ा करते हैं, देश का नाम बदलकर खिलवाड़ करते हैं, सीमा पर खड़े होकर सफेद झंडा लहराते हैं। उदयनिधि ने पूछा कि क्या पिछले 9 वर्षों में केंद्र सरकार की ओर से द्रमुक की पुधुमई पेन या महिला अधिकार योजना जैसी कोई प्रगतिशील योजना आई है? क्या उन्होंने मदुरै में एम्स अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बनाया है? क्या उन्होंने केलगनार शताब्दी पुस्तकालय जैसी ज्ञान मुहिम को आगे बढ़ाया है? उन्होंने कहा, भारत ने मणिपुर के बारे में सवालों का सामना करने से डरकर वो अपने दोस्त अडानी के साथ दुनिया भर में घूम रहे हैं। सच तो ये है कि लोगों की अज्ञानता ही उनकी नाटकीय राजनीति की पूंजी है। द्रमुक नेता ने आरोप लगाया कि मोदी और उनके सहयोगी मणिपुर में भड़के दंगों में 250 से ज्यादा लोगों की हत्या और 7.5 लाख करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार समेत तथ्यों से ध्यान भटकाने के लिए सनातन धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं।
बता दें कि उदय निधि के इस बयान के सामने आने के बाद अब भाजपा नेताओं ने उन पर हमलावर होना शुरू कर दिया है। उनके पहले बयान के बाद से लगातार उनके कई बयान सामने आ चुके हैं। हालांकि भाजपा नेताओं ने यह कहा कि उदय निधि ने सनातन का अपमान किया है। मामले को लेकर क्या कुछ अपडेट आती है उस पर हमारी नजर रहेगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।